सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज 1.5 GB फ्री मिल रहा है, कल शायद 2 GB मिल जाए, लेकिन आपके सपनों का क्या जो पीछे छूटते जा रही है। केवल वो ही सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने तो वह सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही फोड़ देते हैं। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा वही होता है जिसे गहरी चोटें लगती है। आज का पंचांग 28 अक्टूबर 2020, दिन बुधवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 12:54 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व शरणा नामक नक्षत्र सुबह 9:11 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:10 से 1:34 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। धनुराशि 28 अक्टूबर 2020, दिन बुधवार, घर में आपका जीवन अभी चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण हो सकता है। अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नजरअंदाज ना करें, जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिलें। कार्य में आपको जो पहचान मिल रही है उसका मजा लें। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, इस पल की प्रतिष्ठा का स्वाद लेना ना भूलें। इस समय की मांग यह है कि आप धैर्य से लोगों की बातें सुने और समझें। किसी छोटी सी गलती से आप भविष्य के सभी लाभों को खो सकते हैं। आपका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत फायदों की तुलना में अपने प्रियजनों का ख्याल रखना रहेगा। जो लोग कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज आप अपनी किसी नकारात्मक बातों को छोड़ने का संकल्प करें, इससे आप भविष्य संबंधित उपलब्धियां हासिल करेंगे तथा बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के करियर संबंधित किसी समस्या का समाधान होने से घर में राहत व खुशी भरा माहौल रहेगा। भूतकाल में मिले अपयश का असर आज फिर से दिखेगा। आपके मन में बसा डर काम की क्षमता को कम करने के साथ एंजाइटी भी बढ़ा रहा है। जिन लोगों के विचारों का असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर होता है उन लोगों से आप दूरी बनाए रखें। खुद को मोटिवेट करें। सावधानियां, अगर किसी को ऋण देने संबंधित कार्य करने वाले हैं तो उसे स्थगित करने में ही भलाई है। कुछ विरोधी आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकते हैं, इसीलिए उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। दूसरों पर विश्वास करने की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता व योग्यता से निर्णय लेना ज्यादा उचित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। प्रेम जीवन में परेशानियों के कारण आप सामाजिक सर्कल से कट ऑफ करके अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ समय बिताएंगी। चाहत में साथी की भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है और इनका मजाक उड़ाकर आप अपने जीवन की मिठास कम कर सकते हैं। बहुत से प्रशंसा आज प्राप्त होगी। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से सुने और शांत रहें। आप अपने प्रेम के लिए निजी कामों को स्थगित कर देंगे। आज के दिन को रंगों से भरने के लिए किसी रोमांटिक फिल्म का कार्यक्रम बन सकता है। बस अपनी भावनाओं को काबू में रखें। अपने दिल की बातों को व्यक्त करने में अधिक समय ना लें। बात करते हैं करियर की। सरकार और संबंधित एजेंसियों या बड़ी निगम के साथ काम करने की आपकी अभिलाषा आज पूरी हो सकती है। आजीविका के नए और बेहतर तरीके मिलेंगे जिससे आपके प्रयासों की नई शुरुआत होगी। कर्म का परिणाम चाहे कुछ भी हो, बस अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करें। जीवन में लाभ और अच्छे परिणाम
आपके परिश्रम व ज्ञान का नतीजा है, तो आज का दिन आगे बढ़ने का है। अपनी महत्वाकांक्षाओं व अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपनी कंपनी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इंटरनेट का सहारा लें। बात करते हैं सेहत की। आज आपको स्वास्थ्य संबंधित अच्छी खबर मिलेगी। आज आपके मित्र आपको शराब की आदत से छुटकारा दिला सकते हैं। इससे आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।